रहमतुल्लाहि व वरकू प्यारे बच्चों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे खैरियत से होंगे तो हमने कल स्टार्ट किया था लेसन फेस शोइंग तो हमने लास्ट में पढ़ा था जब इलाम, इलाम दिन की जो बीवी नई दुल्हन है उसने जो आतर हैं उनके घर में उसकी माँ उसकी खाला और उसकी भाभी के प्यारों को छुआ उसके बाद जब उन औरतों ने उसे दुआ दी तो वहाँ पर उनके चले जाने के बाद ऑथर के घर में एक व खड़ा हो गया तो आज हमें वहाँ से आगे पढ़ना है द ब्राइड हैज़ सच ए लवली गेट दुल्हन जो है उसकी चाल बहुत ही प्यारी है लाइक दैट ऑफ ए पीकॉक डांसिंग जैसे कोई मोर नाच रहा हो मदर एंड आर्ट वायर वेल मीनिंग वुमेन माँ और खाला वो वेल मीनिंग वुमेन थी सीधी साधी औरतें थी अप्रिशिएटेड अदर्स एंड आल्सो कन्डमड वायर कंडेमनेशन वाज कॉल्ड फॉर जो अप्रिशिएटेड अदर्स जो दूसरों की तारीफ करती थी एंड आलसो कंड और नक्त चीनी भी करती थी वायर कन्डेमेशन वाज कॉल्ड फार जहाँ नक्त चीनी की ज़रूरत होती थी बट माई सिस्टर इन लॉ यंग एंड डिड नॉट लाइक अनदर बीइंग बींग्रेज लेकिन जो मेरी भाभी थी वो जवान थी और उसे पसंद नहीं था कि किसी दूसरे की तारीफ की जाए पी का सा ड बट शी इज़ सो फेयर मोर काले होते हैं बट शी इज सो फेयर लेकिन वो गोरी है प्रेजिंग हर लाइक दिस वुड अमाउंट टू सेंग दैट एज स्वैन इज डांसिंग इस तरह उसकी तारीफ करने का मतलब यह कहना होगा कि एक हंस नाच रहा है कट कट टू द क्विक द आठ सेट खाना ने बहुत जल बुनकर कहा वट डू वी लूज इफ वी कॉल ए पी का हमारा क्या जा, बिगड़ जाएगा अगर हम एक मोर को सफेद कहेंगे दस्टर ला कैप्टी खामोश रही इधर शी कु नॉट फाइंड ए सूटेबल रिप्लाई या तो उसे एक मुनासिब जवाब नहीं मिला और शी डिड नाट थिंक इट एक्सपीडिएंट टू प्रोलॉन्ग द आर्ग्यूमेंट या तो उसे बहस को और ज़्यादा खींचना अच्छा नहीं लग रहा था द फॉलोइंग डे द टू वुमेन केम टू आवर हाउस अगले दिन वो दोनों औरतें हमारे घर आई ऑन देयर वे टू द वेल कुएं को जाते हुए रास्ते में एंड सैट डाउन फॉर अ लिटिल चैट और थोड़ी देर बातचीत करने के लिए बैठ गई द वुमेन ऑफ आवर हाउस एनक्वायर्ड फ्रॉम द डॉटर इन लॉ हमारे जो घर की औरतें हैं उन्होंने बहू से पूछा अबाउट द लोकेशन ऑफ आवर हाउस इन सोरेन सर कि सर में उस, उसका घर कहाँ वाक़ा था द मदर इन लॉ एडवाइज हर यू सी द यंगर आंट इज़ कॉल्ड चाची एंड द एल्डर आंट इज़ कॉल्ड ताई उसकी सास ने उसे नसीहत करते हुए कहा यू सी तुम जानती हो द यंगर आंट इज़ कॉल्ड चाची जो छोटी खाला है उसको चाची कहा जाता है एंड द एल्डर आंट इज़ कॉल्ड ताई और जो बड़ी चाचा है बड़ी खाला है उसको ताई कहा जाता है माई सनस एड्रेस दैम लाइक दैट मेरे बेटे उन्हें यही कहकर बुलाते हैं यू शुड आल्सो डू लाइक वाइज तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए एट दिस इज़ बॉबी और ये बॉबी है माई एल्डर सनज़ वाइफ मेरे बड़े बेटे की बीवी हर हजबेंड एंड गुलाब वेंट टू स्कूल टुगेदर उसका खा, जो खामद है और गुलाब दिन इकट्ठे स्कूल जाया करते थे आई कॉल्ड हर बाय हर फर्स्ट नेम बट यू शुड ऑलवेज एड्रेस हर बॉभी मैं उसे हमेशा उसका नाम लेकर बुलाती हूँ बट यू शुड ऑलवेज़ एड्रेस हर भाभी लेकिन तुम्हें हमेशा उसे भाभी कहकर बुलाना चाहिए आफ्टर फ्यू डेज़ द मदर इन लॉ स्टॉप कमिंग विद हर डाटर इन लॉ कुछ दिनों के बाद सास सास ने बहू के साथ आना बंद कर दिया प्रॉबेबली शी वज इट होम शायद वो घर के दूसरे कामों में मसरूफ हो गई थी रहीम बीबी केम टू तो द वेल टाइस इन द मॉर्निंग एंड वनस इन द इवनिंग रहीम बीबी कु पर सुबह दो बार और शाम को एक बार आया करती थी गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग वी शुड सी हर ऑन द वे स्कूल जाते वक्त हम उसे रास्ते में देखा करते थे ऑन वन डे वाइल्ड द अदर बॉयज हैड गॉन ए हेड एक दिन जब दूसरे लड़के आगे निकल गए थे आई रिमेनड बिहाइंड वैन आई सा हर कमिंग फ्राम द अपोजिट डायरेक्शन मैं पीछे रह गया जब मैंने उसे सामने की तरफ से आते हुए देखा शी हैड हर फेस कवोर्ड एज़ यूजल उसने अपना चेहरा पहले की तरह डका रखा था राइट डाउन टू द थ्रोट बिल्कुल गर्दन तक ए लिटल हेजिटेंटली थोड़ा झिझकते हुए आई सेड मैंने कहा रहीम बीबी यू कैन शो योर फेस टू मी आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती हैं आई एम सो स्मॉल मैं तो बहुत छोटा हूँ रहीम बीबी कैप्ट वॉकिंग एंड सेड रहीम बीबी चलती गई और कहा बाऊजी इफ़ यू वांट टू सी माय फेस यू विल हैव टू गिव मी मसानी अगर आप मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो आपको मसानी देनी होगी वी वेयर वॉकिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड बिफोर आई कुड गिव एनी रिप्लाई हम मुखालिफ़ समत में जा रहे थे एंड बिफोर आई कुड गिव माई रिप्लाई और इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाता शी हैड गॉन समिस्टेंस वो कुछ दूर जा चुकी थी द नेक्स्ट डे आई मनेजड टू रिमेन बिहंड अगेन अगले दिन मैंने फिर से जान आई मैनेज टू रिमेन बिहड अगेन मैं फिर से पीछे मैं मैं फिर से पीछे रह गया एज आई क्रॉसड हर पाथ आई सेड जो ही मैं उसका रास्ता पार कर गया आई सेड मैंने कह दिया रहीम बीबी वट वुड यू लाइक टू हैव एज मसाह रहीम बीबी आप मसानी के रूप में क्या लेना चाहेंगी आई शैल गेट इट फॉर यू फ्राम मदर मैं आपको वो माँ से ला दूँगा रहीम बीबी रिप्लाइड रहीम बीबी ने जवाब दिया नो नो नॉट फ्राम चाची नहीं नहीं चाची से नहीं आई shall शो यू माई फेस ऑनली वैन यू गिव masani आउट ऑफ योर ओन earning. मैं आपको अपना चेहरा सिर्फ उस वक्त दिखाऊंगी जब तुम मुझे अपनी कमाई में से मसानी ला कर दोगे Until then, देन तब तक I will not lift my veil. मैं अपना घूंघट या मैं अपना ये जो पर्दा है ये मैं नहीं उठाऊंगी रहीम बीबी स्टक टू वॉट शी सेड रहीम बीबी सिटक टू शी सेड रहीम बीबी इस बात पर टल गई जो उसने कही थी फॉर इयर्स कई सालों तक शी कैप्ट हर व्हील उसने अपना वो जो व्हील था वो घूंगट था वो ओढ़े रखा इन द नेक्स्ट थ्री इयर्स आई डिड माई एट्थ क्लास एंड वेंट टू जम्मू फॉर फर्दर स्कूलिंग अगले तीन सालों में मैंने अपनी आठवीं जमात पास कर ली और आगे की पढ़ाई के लिए जम्मू चला गया फॉर फ्रॉम जम्मू आई वेंट टू श्रीनगर जम्मू से मैं श्रीनगर चला गया एंड कुड नॉट गो टू द विलेज फॉर अनदर ईयर एंड हाफ और मैं मज़ीद डेढ़ साल तक गाऊ न जा सका आई वॉज़ द फिफ्टीन एंड हैड फेल्ड इन द नाइन्थ क्लास अब मैं पंद्रह साल का हो गया था और नवी जमात में फेल हो गया था वेन आई वेंट होम ड्यूरिंग द वेशन जब मैं छुट्टियों के दौरान घर गया एंड मेट रहीम बीबी और मैं रहीम बीबी से मिला शी आसकर उसने पूछा बाऊ जी इन वट क्लास आर यू स्टडी नाउ बाऊ जी आप अब किस जमात में पढ़ रहे हो नाइन्थ नवी जमात में लास्ट ईयर आल्सो यू वायर नाइन्थ पिछले साल भी आप नवे में थे आई a loss लॉस फॉर वर्ड्स एंड बियर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हर मुझे कोई अल्फाज ना सूझ पाए आई फेल्ट ए लॉस फॉर वर्ड्स stand टू स्टैंड ऑफ हर और उसके सामने में खड़ा नहीं रह सका एंड मूड अवे mumbling और वहाँ से चला गया ममलिंग बड़बड़ाती हुई यस यस हाँ हाँ luck would have it किस्मत की अर्जी ऐसी मर्जी हुई आई फेल्ड इन द नाइन्थ कल ए सेकेंड टाइम मैं नवी में दूसरी बार फेल हो गया एंड डिड नाट गो होम फॉर होल ईयर और एक साल के लिए घर नहीं जा सका आई गॉट प्रमोटेड टू द टेंथ मैं दसवीं जमात में दाखिल हो गया आफ्टर थ्री इयर्स इन नाइन्थ तीन साल नाइन्थ में गुजारने के बाद आई गॉट प्रमोट टेंथ मैं टेंथ में प्रमोट हो गया मुझे टेंथ में दाखिल कर दिया गया देन वेंट होम और फिर मैं घर गया आई केम एक्रॉस रहीम बीबी अगेन एंड शी आस्कर्ड मैं फिर रहीम बीबी से मिला और उसने पूछा नाउ यू मस्ट बी इन कॉलेज अब आबाब जरूर कॉलेज में होंगे नो भाभी आई एम इन द टेंथ नाउ नहीं भाभी मैं अब दसवीं में हूँ आई विल पास दिस टाइम एंड देन गेट ए जॉब इस बार मैं पास हो जाऊँगा और फिर कोई नौकरी हासिल करूँगा आई शैल अरेंज फार यूअर मसानी from my फर्स्ट पे मैं अपनी पहली तनख्वाह में आपके लिए मसानी का इंतज़ाम कर लूँगा नो no, बाबूजी जी प्लीज़ द फर्स्ट पे एट द फीट ऑफ चाची नहीं बहू जी पहली तनख्वाह चाची के कदम में रखना चाची हैज़ टू इनकर एट अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस टू मेक ऑफरिंग्स टू डाइटीज चाची को चाची हैज़ टू इनकर ए लॉट ऑफ एक्सपेंसेस चाची को बहुत से खर्चे बर्दाश्त करने होंगे टू डाइटीज़ देवी देवताओं के लिए शील परचीज परचेज थिंगज़ फ़ॉर द पूजा वो आ, पूजा के लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगी आई शल वेट फॉर माई मसानी फॉर अनदर ईयर मैं अपनी मसानी के लिए एक और साल इंतज़ार कर लूँगी रही बीबी आई डिड नॉट नो दैट इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट टू सी द फेस ऑफ माई ओन भाभी रहीम बीबी मैं नहीं जानता था कि मुझे अपनी ही भाभी का चेहरा देखना इतना मुश्किल हो जाएगा बाऊजी द मोर यू वेट द स्ट्रागर विल बी द डिज़ायर ग्रो बाऊजी आप जितना ज़्यादा इंतज़ार करेंगे आपकी ख्वाहिश उतनी ज़्यादा पुरजोर हो जाएगी ऑन क्रॉसिंग ओवर टू द्रेश होल्ड ऑफ यूथ जवानी की दहलीज पार करने के बाद द डिज़ायर टू सी ए फेस डज़ नाट गो चेहरा देखने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होती है वन विशेज़ वन वुड गो ऑन अमेजिंग गो ऑन गेजिंग आदमी चाहता है कि वो देखता ही रहे तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे कल इससे आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त अल्लाह